So hey, what's up, buddy? We are back with new video. So in this video, we are going to play City Skylines because इस game में हमें अपनी एक city बनानी रहती है और उसमें maintenance रखनी पड़ती है like electricity passing, water pumping, water cleaning and many more. So we are in the game guys और हमें यहाँ पे एक world choose करना पड़ेगा जिसमें हम लोग अपनी city बना सकते हैं. तो ये जो hill state करके world है ये काफी अच्छा लग रहा है. यहाँ पे resources भी काफी आप लोग देख सकते हैं, तो हम लोग इसी में खेलते हैं. So we are in our city. यहाँ पे हमारे से एक river है, एक highway है और एक plain land है. तो ये plain land काफी useful रहने वाली है because इस पे हम लोग आराम से अब घर बना सकते हैं, वरना plain ना होते तो दिक्कत होती. तो ये हाईवे यार कुछ ज्यादा चौड़ा नहीं लग रहा. हाँ ये ओ फोर लेन रोड यहाँ पे लिखा हुआ है, तभी चौड़ा है. तो यहाँ पे हमारे पास रोड्स है, लेकिन मेरे हिसाब से पहली रोड पतली रहती है. हाँ ये तो काफी पतली है यार, इस पे सही लगेगी या नहीं? काफी पतली है. तो यहाँ पे नई न्यू रोड्स खुल गए, नाइस. तो हम लोग यहाँ पे अब ये वाली रोड लगा सकते हैं, फोर लेन वाली. सो ये तो नहीं है इधर सेकंड वाले पे. हाँ ये लग रही है मुझे, यही है आई थिंक फोर लेन रोड. हाँ फोर लेन रोड सही है. सो ये राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है इससे हम लोग डिलीट कर सकते हैं रोड्स, एंड हम लोग ये फोर लेन रोड अब प्लेस कर देते हैं यहाँ पे. सो हमें थोड़ी बड़ी रोड प्लेस करना पड़ेगा बिकॉज हमें ज़्यादा रेजिडेंटल एरिया और कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया चाहिए. तो यहाँ इतनी काफ़ी रहेगी. हाँ एंड तक करते हैं रिवर के, फिर हम लोग वहाँ पे वाटर पंपिंग स्टेशन भी बना देंगे, एंड हम लोग अपवर्ड साइड भी थोड़ी रोड को एंड तक कर देते हैं. डन. एंड हाईवे के बगल में हम लोग ये पतली वाली रोड लगाएंगे बिकॉज ये हाईवे ज़्यादा महंगा है, हमारे पूरे 70,000 अभी ख़त्म हो जाएंगे. तो कौन सी, ये डर्ट रोड लगाते हैं बिकॉज डर्ट रोड हमें सस्ती पड़ी और हमें अभी ज़्यादा जरूरत भी नहीं है, मतलब वैसी हाई टेक रोड्स की. तो मैं इसे सिमेट्रिकल बनाना चाहता हूँ. पहले मैंने सोचा था हम लोग इसे क्या कहते हैं फैंसी सिटी बनाएंगे, एकदम भयानक सर्कल वर्कल ट्रायंगल व्रैंगल, बट मैंने बाद में सोचा ज़्यादा सही नहीं लगेगा वो और उसमें मनी भी ज़्यादा कॉस्ट करेगा. तो हम लोग एक सिमेट्रिकल और एकदम पूरा फील्ड, मतलब ये जो लैंड हमें दिख रहा है पूरा हर तरफ से भरा भरा रहेगा. क्योंकि सिटी ज़्यादातर आप लोग देखोगे अगर हाई टॉप व्यू से देखते हो रियल सिटी तो वो भरी भरी लगती है, तो ये भी भरी भरी लगनी चाहिए. तो हम लोग इसे हर साइड से फील्ड एंड सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करते हैं. सो मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर सोच लिया है, मैं ऐसे ही एकदम सीधी सीधी रोड बनाऊंगा और बीच में गैप नहीं छोड़ूंगा, जैसे हमारे पूरा मतलब मनी जो हम लोग लगा रहे हैं थोड़े से भी वेस्ट ना आए. देखो ये बीच में ये जो ट्रायंगल्स ये स्क्वायर्स दिख रहे हैं इसमें हमारे घर बनेंगे, मतलब सिर्फ इसी एरिया में बन सकते हैं रोड साइड. तो एकदम मुझे एकदम एक्यूरेटली लगाना पड़ेगा जिससे थोड़ा सा भी गैप ना छोटा. अभी देखो छोटा सा है ना, उसे भी नहीं छोड़ना है, एकदम बिल्कुल करेक्ट. हाँ ये सही है, ऐसे हम लोग इस लाइन में पूरे लगा देंगे और इधर रेजिडेंटल एरिया हम लोग बनाएंगे. रेजिडेंटल एरिया और हमें इंडस्ट्रियल एरिया दूर रखना पड़ेगा बिकॉज इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करता है जिससे हमारे सिटीजन सिक्स हो जाते हैं. ये सब मुझे बेसिक्स पता है क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखी है, लेकिन एडवांस अभी मुझे नहीं पता. पता नहीं क्या इसमें मॉन्यूमेंट्स ये सब बहुत कुछ है जो कि मुझे नहीं पता. तो हम लोगों को खेलते खेलते आ जाएगा. तो काफ़ी सही लग रहा है ऐसे सिमेट्रिकल, अभी तो ये पी शेप में लग रहा है, ऐसा हमें पूरे इधर बढ़ना है. और इधर इस साइड हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे और वाटर पंपिंग एरिया बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी भी इधर ही जनरेट करेंगे. वो हम लोगों ने जितनी उधर लेंथ की रोड बनाई थी उतनी इधर भी बनाएंगे, देन हम लोग इधर बनाते हैं. और हाँ गाइस ये जो वाइट लाइन है हम लोग इसके आगे नहीं बना सकते, हमारा लैंड सिर्फ इतना ही, हमें अगर उधर बनाया तो खरीदना पड़ेगा. तो इधर थोड़ी सी हाइट छोटी रहे, कोई बात नहीं, सही लग रहा है तब भी. और इधर थोड़ा सा स्लाइड टाइप का है, स्लोप टाइप का, तो दिक्कत हो रही है लेकिन लग गया. अब गाइस सही नहीं लग रहा, हम लोग इसे थोड़ा ऊपर साइड बनाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा सही लगेगा इधर, और हमारा ब्लॉक्स भी सही रहेंगे. सो हम लोग इसे इधर से कनेक्ट कर देते हैं और इधर से थोड़ा सा ऊपर. हाँ लेकिन हाइट छोटी हो जाएगी, लेकिन सही है, काफ़ी सही लग रहा है वैसे. हाँ काफ़ी सही लग रहा है. तो इतना लैंड काफ़ी है, अब हम लोग वाटर की मतलब वाटर सर्विसेज बना देते हैं. तो ये देखो ये जो है ये हमारा वाटर पंप करता है, और ये जो एरो दिख रहा है इधर हमारी करंट है वाटर की, मतलब वाटर इधर बह रहा है, फ्लो हो रहा है. सो हम लोग इसे जितना दूर लगाएंगे, ये इससे मतलब सीवर का पानी फेंकता है, तो इसे जितना दूर लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा. लेकिन इतना दूर लगाएंगे तो इससे इलेक्ट्रिसिटी भी देनी पड़ती है और पाइप भी तो ज़्यादा मनी कॉस्ट करेगा. तो अभी हम लोग इसे पास में लगा देते हैं, बाद में इसे दूर कर देंगे. तो इतना सही है, तो वाटर का फ्लो है, ये जो पानी फेंकेगा उस साइड चला जाएगा दूसरे साइड, तो इधर ये जो वाटर पंप करेगा इधर नहीं आएगा. तो हम लोग इसे अब इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो उससे लिए हमें
इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरेट करने के लिए हम लोग विंडमिल लगा सकते हैं या तो ये कोल पावर प्लांट लगा सकते हैं। तो अभी के लिए हम लोग कोल पावर प्लांट लगाते हैं क्योंकि 40 वाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है और ये विंडमिल सिर्फ 6-7 वाट, जो हमारे लिए सफिशेंट नहीं रहेगा हमारे सिटी के लिए। तो इसे हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। आप देखो ये जो ब्लू एरिया है इसमें कनेक्ट हो गया, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और हम लोग ये वाटर ये इलेक्ट्रिसिटी टावर से दूसरे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये वाटर पाइप से हम लोग कनेक्ट कर दिया है दोनों को, अब कनेक्ट हो गया है सब। अब हम लोग को बस ये वाटर पाइप से पूरे सिटी में अपने वाटर को ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोग पूरे सिटी में इसके मतलब कनेक्ट कर देते हैं पाइप से। तो इसको भी हम लोग को सेमेट्री में ही करना है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है बदी। तो हाँ, गैप ये बीच में सही है, इतना काफ़ी है क्योंकि जितना हम लोग मनी बचा सकते हैं उतना बचाना पड़ेगा, वरना हम लोग बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं। तो इधर भी हम लोग कर देते हैं अपने इंडस्ट्रियल एरिया के लिए वाटर सर्विसेज डन। हाँ काफ़ी सही है। तो अब हम लोग चलो आगे काम करते हैं, रेजिडेंटल एरिया में थोड़ा सा मतलब हाउस हाउस बनाते हैं। तो ये जो हमें लेफ्ट साइड में थोड़ा सा दिख रहा है, ये 4 ब्लॉक्स, यहाँ से हम लोग जोनिंग कर सकते हैं, मतलब इधर जिधर हम लोग इसे पेंट कर देंगे उधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग ग्रीन जो किया है, ये ग्रीन वाला मतलब हमारे रेजिडेंटल एरिया के लिए, ब्लू वाला कमर्शियल एरिया के लिए है और ये येलो वाला इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, और ये ब्राउन वाला इससे हम लोग कोई भी एरिया हटा रखते हैं जैसे हम लोगों ने गलती से बना दिया। तो उधर हम लोगों ने बना दिया रेजिडेंटल एरिया, बट आई थिंक काफ़ी छोटा है वो रेजिडेंटल एरिया। तो हम लोग को थोड़ी अपनी लेन ग्रो कर देनी चाहिए, मतलब ये रोड्स थोड़े और लगा देना चाहिए और हमें मतलब थोड़ा बड़ा करना चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे हमारे सिटी में, उतनी ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट। और मैंने जैसा बोला मैं सब कुछ सिमेट्री में रखूँगा, अभी से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब यहाँ पे हाउस बन जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और हाँ गाइस, ये इकोनॉमी सेक्शन वाला जो है इसमें बजट वाला ऑप्शन, इसमें हम लोग बजट कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम लोग कितना मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर को, रोड्स को। तो मैं इसे कम कर देता हूँ क्योंकि अभी देखो हमारा ग्रीन पे पूरा वो ब्लू एरो, तो हम लोग इसे कम कर देंगे तो हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, तो हम लोग थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे। अभी देखो हम लोग माइनस में चल रहे हैं, रेड रेड दिख रहा है बनी के बगल में। तो हम लोग इसे जितना कम कर सकते उतना कम कर देते हैं, जब डीड होगी तो हम लोग इसे बढ़ा देंगे। तो ये बजट आपको हरदम देखते रहना है क्योंकि इससे हम लोग बहुत ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी सब चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो मुझे सब कम ही कर देना चाहिए। और हवाई सिटी बनना स्टार्ट हो गया गाइस, काफ़ी अच्छी लग रही है। बट ये लोग को अभी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ रही है, पहले मैं ये रोड बना लेता हूँ फिर देखता हूँ इन लोग को इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है। सो मैंने यहाँ तक रोड बना ली है, अब इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा, हाँ ये बड़ा है, अभी तो मैं सोचूँ क्यों फिट नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं और उसके बराबर की रोड बनाते हैं। तो हाँ यहाँ तक सही है और अब हम लोग आराम से रोड्स कनेक्ट कर सकते हैं। आई डोंट नो आप लोग को सिटी कैसी अच्छी लग रही है, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है अपनी सिटी। तो चलो अभी लोग की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम दूर करते हैं। मुझे समझ आ गया, मैंने यहाँ पे वहाँ तक टावर ही पहुँचा था, तो कहाँ से लोग इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो यहाँ से हम लोग इधर टावर पहुँचा देते हैं, ये ब्लू एरिया में कनेक्ट कर देते हैं बस। तो अब ये सबको इलेक्ट्रिसिटी देख लो, मिलने लगेगी धीरे धीरे, अभी आ रही है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग यहाँ से टाइम तेज कर देंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई है और अब ये जो हम लोगों ने एरियाज बनाए हैं इसमें हम लोग भर देते हैं और रेजिडेंट देते हैं एरिया। यहाँ पे आप लोग नीचे 3 ग्राफ देख सकते हो, ये ग्रीन, ब्लू और एक ऑरेंज का है। तो उसमें रेजिडेंटल एरिया की नीड ज़्यादा है, तो हम लोगों ने रेजिडेंटल एरिया भर दिया है और काफ़ी है। तो इतना काफ़ी है हमारे रेजिडेंटल एरियाज के लिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे घर बन जाएगा तो हमारे रेजिडेंटल एरिया की नीड खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कमर्शियल एरिया की नीड बहुत बढ़ रही है, तो हम लोग कमर्शियल एरिया इस रो में भर देते हैं। तो कमर्शियल एरिया में आपको बताता हूँ क्या आता है। कमर्शियल एरिया में आपका आता है मतलब दुकान, ये सब शॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, जिससे सर्विसेज, एक तरह से टर्सरी सेक्टर आप लोग समझ सकते हो, वही आता है। तो कमर्शियल एरिया में भी घर बनने शुरू हो गया है भाई, काफ़ी तेज़ कमर्शियल एरिया की नीड बढ़ रही है, तो हम लोग काफ़ी भर देते हैं। तो हम लोग रेजिडेंटल एरिया के पास भरते हैं और ऐसा भरते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया रेजिडेंटल एरिया से ब्लॉक हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बहुत पॉल्यूशन फैलाता है। रेजिडेंटल एरिया में थोड़ा नॉइस पॉल्यूशन होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल में नॉइस पॉल्यूशन एंड क्या कहते हैं ग्राउंड पोल्यूशन दोनों होता है। तो अब हम लोग यहाँ ये वाले ब्लॉक में अगर भर देते हैं इंडस्ट्रियल एरिया, तो रेजिडेंटल एरिया से टच हो जाता है और इंडस्ट्रियल एरिया में लोग सीख होने लगते। तो हम लोग, तो गाइस आप लोग ध्यान से देखो, हम लोग अब प्रॉफिट में जा रहे हैं नीचे मनी के बगल में देखो, और लोग भी काफ़ी आ रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ हम लोग प्रॉफिट में जाए, ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत पानी की दिक्कत हो रही है यहाँ पे। ओ हाँ, तो मैंने यहाँ पे पाइपलाइन से नहीं कनेक्ट की है तो पानी की दिक्कत होगी। तो मैंने यहाँ पे रेजिडेंटल एरिया के लिए जोनिंग तो कर दी है, बट मैंने पाइपलाइन नहीं कनेक्ट किया, तो मैं सारे जगह पाइपलाइंस कनेक्ट कर देता हूँ।
तो यार हमारे सिटी में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत कम है, तो मैं यहाँ थोड़ी सी और रोड्स बना देता हूँ, क्योंकि इधर खाली लैंड है और यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया लगाने की कोशिश करते हैं, या जिसकी नीड ज़्यादा पड़ेगी वो लगा देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सारी रोड्स लगा लिया, बस हमको जोनिंग करना है। तो काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी सिटी यहाँ पे। ओ फाइनली फर्स्ट माइलस्टोन हमारा कंप्लीट हुआ, लिटिल हेलमेट। तो हमारी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो यहाँ पे नए चीज़ भी खुल गया है, लोन टैक्सेस एंड न्यू बिल्डिंग्स, हेल्थ केयर, गार्बेज एंड बहुत कुछ खुला है। तो अब यहाँ पे नई चीज़ खुल गया, इसका मतलब हम लोग को नए चीज़ लगाने पड़ेंगे ये सब जो खुले हैं, वरना सिटीज़ में दिक्कत आ सकती है। तो मैं जल्दी जल्दी ये सब लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो लैंड फिल्स खुले हैं, इसमें गार्बेज कलर्ट होता है और इसे हमें हरदम अपने रेजिडेंटल एरिया से दूर रखना है, वरना रेजिडेंटल एरिया में लोग सीख होंगे, क्योंकि इसमें से स्मेल आएगी, पॉल्यूशन होगा, इससे लोग सीख हो जाएंगे। तो हम लोग इसे इंडस्ट्रियल एरिया में लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग सर्वाइव कर सकते हैं। पता नहीं कैसे वो भी इंसान होते हैं लेकिन सर्वाइव कर जाते हैं ये सब चीज़ से, उनकी आदत पड़ जाती है। या तो कमर्शियल जोन के पास लगाओ या तो इंडस्ट्रियल, ज़्यादातर इंडस्ट्रियल के पास लगाया जाता है ये सब। कमर्शियल वाले भी थोड़े तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है। और ये मेडिकल क्लिनिक हम लोग लगा देंगे कहीं पे। देखो ये जो ग्रीन ग्रीन है, यहाँ तक इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है, और जहाँ ग्रीन नहीं है वहाँ पे थोड़ी वीक है इसकी रेंज। तो ऐसी जगह मैं लगा रहा हूँ जहाँ से पूरे लोगों को प्रॉफिट मिले और सब कितने खुश हो गया है। हम लोग को लोगों की हैप्पीनेस को भी देखना पड़ेगा। एंड ये भी लगा देते हम लोग, ये एलिमेंट्री स्कूल है, इससे हमारे लोग एजुकेटेड रहेंगे। तो देखो एजुकेटेड रहेंगे लोग तो उनका मतलब जो हाउस है वो अपग्रेड होता रहेगा, क्योंकि उनके पास दिमाग आएगा तो अपने आर्किटेक्ट को मतलब अपग्रेड तो करेंगे ही। तो हम लोग को एजुकेशन भी देना जरूरी है, और इसकी रेंज काफ़ी कम रहती है। तो बाद में मैं एक दो और... तो गाइस अब यहाँ पे आपको सारा बेसिक्स पता ही है, तो मैं जल्दी से ये वाला माइलस्टोन की जो जल्दी है से जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाएगी। इसकी वीडियो करीब 2-3 घंटे की रिकॉर्ड होती है। लेकिन वैसे अगर आप लोग को मतलब सारा हर कुछ देखना है, आप लोग को मजा आता है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं डालने की कोशिश करूंगा 30-40-40 मिनट की वीडियो। लेकिन अभी तो मुझे पता नहीं है आपको ओपिनियंस कैसे, आपको कैसी वीडियोस पसंद है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा छोटी ही वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तो यार अब मुझे अपनी सिटी एक्सपेंड कर लेनी चाहिए, काफ़ी छोटी लग रही है मुझे, अच्छी नहीं लग रही है मुझे, एकदम फील्ड अप बनाना है। तो लेट्स गो, हम लोग इधर से सिटी एक्सपेंड करना शुरू करते हैं। बेस्ट प्लेस टू फाइंड लव से बाहर इस वेट वर्थी विलेज। भाई मैं खाना खा रहा था, अचानक से वर्थी विलेज आ गया, और यहाँ पे काफी न्यू चीज खुल गई है भाई साहब। तो काफी चीज मुझे दिख रही है, मुझे आधे ज्यादा चीज समझ नहीं आ रही है, बट हम लोग इसमें पॉलिसीज वॉलिसीज ज्यादा खुली है। हाँ ये सब पॉलिसीज ही है, और कुछ न्यू बिल्डिंग्स खुली है जो ज्यादा काम की नहीं है लेकिन कुछ काम की भी है। अच्छा ये लाइब्रेरी लाइब्रेरी सही है। तो हम लोग ये वाला माइलस्टोन भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सो फर्स्ट हम लोग को पुलिस स्टेशन मिला, तो हम लोग पुलिस स्टेशन लगा लेते हैं, वरना भाई चोरियाँ होने लगती है, बहुत दुष्ट लोग रहते हैं भाई, पुलिस स्टेशन लगा चोरी करने लगते हैं। तो इसकी रेंज काफ़ी सही है, तो मैं इसे ऐसी जगह लगाना चाहता हूँ कि पूरी सिटी कवर हो जाए। तो आई थिंक इधर ही सही है, ऊपर थोड़ा सा बच रहा है बट कोई नहीं, इधर ज़्यादा घर है, उधर घर भी नहीं तो है, तो काफ़ी लोग खुश हो गया है। एंड सेकेंड हम लोग को फायर स्टेशन मिला है, मतलब आग भी लग सकती है, तो आग ज़्यादातर इंडस्ट्रियल साइड लगती है, तो वैसे इंडस्ट्रियल साइड लगाए के ट्राई करूंगा, और वैसे लगा भी दिया, काफ़ी सही लग रहा है। और हम लोग को हाई स्कूल भी मिले हैं, तो हम लोग अरे यार पैसे ही नहीं है सर, तो इसके बाद में लगा लेंगे हम लोग। तो अभी चलो जितने पैसे होते हैं हम लोग अपनी रोड थोड़ी एक्सपेंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें और ज़्यादा चाहिए होगी भाई, ये पॉपुलेशन अभी डिमांड करेगी कि और पॉपुलेशन हमें बढ़ा दी है, तो और लैंड्स बनाओ। सो यहाँ पे हमारा रोड एक्सपेंशन बड़ा मतलब ख़त्म हो गया, बड़ा नहीं हो गया, और हमारी सिटी काफ़ी बड़ी हो गई है। अब हमें इसमें बस जोनिंग करनी है, फिर इसमें लोग रहने लगेंगे। सो यहाँ पे ये जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया, ये डिस्ट्रिक्ट इससे हम लोग बना सकते हैं, मतलब एक अलग सा एरिया बना सकते हैं, और उसमें अलग सी पॉलिसी सिर्फ उस एरिया में लगा सकते हैं। तो मैं इंडस्ट्रियल एरिया में ये अलग सा डिस्ट्रिक्ट बना देता हूँ, और यहाँ पे अलग अलग पॉलिसीज लगा दूंगा जो हमारे सिटी रेजिडेंटल एरिया और कमर्शियल एरिया में नहीं लागू होगी। तो हमें न्यू पॉलिसीज मिली थी, तो चल के मैं देखता हूँ कैसी कैसी पॉलिसीज है। सो अभी हम लोग को 3 पॉलिसीज मिली है, तो इसमें से मैं कोई नहीं लगा रहा, क्योंकि मुझे अभी कोई काम की नहीं लग रही है। अगर मैं ब्लॉक व्लॉक कर दूंगा, वाटर यूसर ये सब कम कर दूंगा, तो उनको दिक्कत होगी।
तो चलो थोड़ी इंडस्ट्रीज भी लगा देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग कमर्शियल एरिया पहले लगाएंगे, जैसे मतलब सेपरेशन बन जाए इंडस्ट्रियल और रेजिडेंटल एरिया के बीच में, क्योंकि कमर्शियल एरिया सह सकता है इंडस्ट्रियल एरिया को लेकिन रेजिडेंटल नहीं। तो यहाँ पे मैं कमर्शियल एरिया थोड़ा सा लगा देता हूँ इस साइड। गैस जब मैं कमर्शियल एरिया लगा रहा था तो मैंने थोड़ा बजट चेक कर लिया, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी यार बजट, तो मैं उस थोड़ा सा बढ़ा रहा था। तो क्योंकि मतलब वाटर सप्लाई थोड़े कम कर दी थी मैंने, बजट देखो बहुत कम है अब, सही है थोड़ी सी, अभी ग्रीन पे है। और इलेक्ट्रिसिटी को भी मैं थोड़ा है बढ़ा देता हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी कम होती रहती है, बहुत दिक्कत होती है यार इलेक्ट्रिसिटी पे। सो गाइस मैंने यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया थोड़ा सा लगा लिया, इतना काफ़ी है। और अब मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में यहाँ पे कमर्शियल एरिया लगा देता हूँ, बिकॉज बीच बीच में जैसे कुछ शॉप्स रहती है, बार्बर शॉप, मतलब कुकी शॉप, मतलब रेस्टोरेंट्स, ये सब छोटे मोटे, ये सब कमर्शियल एरिया में आते हैं, तो बीच बीच में रहेगा तो लोगों को दिक्कत नहीं होगी, बार बार दूर जाना पड़ेगा। तो इधर काफ़ी है, मैं रेजिडेंटल एरिया यहाँ पे लगा सकता हूँ ईजिली। मैं क्या कहते हैं, नीड तो नहीं लेकिन मैं जानबूझ के लगा रहा हूँ, जैसे लोग ज़्यादा हैं और हमारे माइलस्टोन जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। तो अब जैसे ही माइलस्टोन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं वीडियो ख़त्म कर दूंगा, काफ़ी बड़ी हो गई है वीडियो, तो इतना काफ़ी है। सो मैं यहाँ पे थोड़ी सी और रोड्स लगा देता हूँ, बिकॉज मुझे इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाना होगा तो मैं इधर ही साइड बढ़ाऊंगा, दूसरे साइड्स नहीं बढ़ाने का भी ट्राई करूंगा, क्योंकि हर जगह ग्राउंड पोल्यूशन हो जाता है ना, तो जो लैंड थोड़ा ब्राउनिश दिखता है तो बहुत गंदा लगता है, हर जगह ग्रीन और सेंटर सेंटर कहीं कहीं पे ब्राउनिश तो सही नहीं लगेगा, एक कोने में सही रहेगा ब्राउनिश है तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अब थोड़ा मैं सिनेमैटिक मोड में देखने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी अच्छी लग रही है यार हवाई सिटी, अभी इधर घर बन रहा है, ये देखो ये कितना मस्त घर बना, ओ वाह पेड़ भी लगा लिए, काफ़ी अच्छा बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा सिटी काफ़ी अच्छी बन चुकी है, थोड़ा लैग हो रहा है यार, माइलस्टोन मिला है तभी तो लैग हो रहा है। तो टिनी टाउन हमें मिल चुका है, इसमें भी काफ़ी कुछ मिला है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करते हुए ज़्यादा, तब तक के लिए बाय बाय।